दमणमां भारतीय जनता पार्टीनी बे दिवसीय प्रादेशिक पंचायती राज परिषद योजाई हती, जेमां वडाप्रधानना मार्गदर्शन हेठळ तालीम कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। वडाप्रधान द्वारा वर्च्युअल डिजिटल संबोधन करायुं हतुं। प्रादेशिक पंचायती राज परिषदमां 6 राज्योना जिल्ला पंचायतना प्रमुख अने उपप्रमुखोने वर्च्युअली संबोधित कर्या हता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव सहितना अधिकारियों अने पदाधिकारियों खास उपस्थित रह्या हता। 6 राज्यों का पंचायती परिषद यहाँ पर है, जहाँ पर आज नड्डा जी का संबोधन भी था, हमारे जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे उनका भी संबोधन रहा, और यहाँ 6 राज्यों से जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पर पंचायत राज किस तरीके से अच्छा चला इसके लिए उनको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। हमेशा प्रशिक्षण, प्रबोधन और कार्यकर्ताओं के विकास को बड़ा महत्व दिया जाता है, और उसी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जितने जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं, जितने जिला पंचायतों के उपाध्यक्ष हैं, इनकी क्षेत्रीय पंचायती राज परिषदें विगत 20 दिनों से क्रमशः हो रही है। सबसे पहले यह परिषद 7 और 8 अगस्त को उत्तर भारत के राज्यों की हुई, जो हरियाणा में सूरजकुंड में हुई। उसके बाद पूर्व के जितने सारे राज्य हैं हमारे पूर्वी भारत में, उनकी 12 और 13 अगस्त को नवापाड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुई, और अभी पश्चिम और दक्षिण में जितने हमारे राज्य हैं उन सभी की पंचायती राज परिषद आज यहाँ पर दमण में हो रही है। यहाँ पर जो परिषद हो रही है उसमें मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, दमण, दादरा नगर हवेली, दमण दीव, दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि आए हुए हैं। कुल मिलाकर 135 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस परिषद में आए हुए हैं। इन सारी पंचायती राज परिषदों का एक पैटर्न रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके उद्घाटन भाषण से इस पंचायती राज परिषद का प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहते हैं, और उसके बाद विभिन्न सत्रों में जो भी सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकार के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो मंत्रियों की उपस्थिति में प्रायः होती है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री तोमर साहब, जलशक्ति मंत्री श्री शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे मत्स्य व्यवसाय विकास और पशुपालन मंत्री और विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं वो इन पंचायती राज परिषदों में आए हैं। इस परिषद में भी श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल यहाँ पर कल आएंगे, और अन्य भी मंत्री इसमें उपस्थित रहेंगे जरूर। इसके साथ साथ हमने अध्यक्ष उपाध्यक्षों की उसकी खुली चर्चा, इस तरीके का प्रायः इन परिषदों का स्वरूप रहा है। इसके पहले वाली दोनों परिषदों में माननीय अध्यक्ष जी समापन सत्र में उपस्थित थे, इस परिषद के लिए उनके पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार वो होना संभव नहीं था, इसलिए आज सुबह ही उनका एक सत्र हुआ है, और कल हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री बी एन संतोष जी की उपस्थिति में इस परिषद का समापन का कार्यक्रम होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पंचायती राज पदाधिकारियों को जो मार्गदर्शन किया है उसमें मुख्य रूप में यही भूमिका रही है कि भारत सरकार जिला पंचायतों को और कुल मिलाकर पंचायती राज संस्थाओं को विशेष महत्व देती है, और ये मानती है कि सरकार की बहुत सारी अच्छी कल्याणकारी योजनाओं को अगर जमीन स्तर पर ले जाना है तो पंचायती राज संस्थाओं का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, और उसी को अधोरेखित करते हुए, रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में मार्गदर्शन किया। इसमें जो विकसित
देश की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, तो आज भी उन्होंने इस पर बल देकर कहा कि पूरा देश विकसित तब होगा जब हर तहसील विकसित होगी और जिला विकसित होगा, और वो करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें संगठन के साथ समन्वय रखना, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखना, अधिकाधिक योजनाओं का परिपूर्ण क्रियान्वयन अपने जिले में होना, उत्तर प्रदेश में जैसे एक जिला एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उस पद्धति की योजनाओं के बारे में अपने जिले के स्तर पर विचार करना, रूफटॉप सोलर पैनल वाली बात हो या एलईडी की बात हो तो अक्षय ऊर्जा के लिए ये सारे प्रयास जो होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना, जिला पंचायतों में खेल प्रतिभाओं का चयन करते हुए उनको प्रोत्साहन देना, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का बहुत अधिक अच्छे तरीके से उपयोग करा लेना, और किसान समृद्धि के लिए जो प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के ऊपर विशेष निगरानी रखना, ऐसे बहुत सारी बातों का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नेता के रूप में जिला स्तर पर अपना काम अधिक सुगठित और लोकाभिमुख करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, उनको कुछ मार्गदर्शन दिया, और इसी पद्धति से पंचायती राज संस्थाओं को और बलशाली बनाने की दृष्टि से अभी आने वाले काल में जिला पंचायतों के और तहसील पंचायतों के सारे सदस्यों के भी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहे हैं, आने वाले काल में इसको और अधिक गति मिलेगी। मगर पूरे देश में हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जो जिला पंचायतों में और तहसील के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी हम प्रशिक्षण के माध्यम से उनका सशक्तिकरण करेंगे, सबलीकरण करेंगे, जिसके कारण पूरे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई चेतना का संचार होगा और विकसित भारत का हम सभी का सपना जो है वो साकार होगा।